जिला सहायक आबकारी अधिकारी आरएस राय को आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे थे। गुरुवार को केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की टीम पीड़ित को लेकर पहुंची थी। एमवाई अस्पताल इंदौर एक्स्ट्रा मेडिकल के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कथन के बाद मामले में आयुक्त इंदौर पवन शर्मा ने निलंबित कर दिया। वहीं केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी चौबे ने कहा कि यदि प्रशासन राधेश्याम राय पर एफआईआर नहीं करता है तो सारे साक्ष्य लेकर न्यायालय में याचिका दायर कर एफआईआर करवाई जाएगी। चलो उसने वहाँ से कपड़े मेरे वहीं नदी में रह गए और अंडरवेल में लाए और मेरी मम्मी बोलते बोले मेरे जो है गलती नहीं करी, साफ मत लिया बोले बोली यहाँ चिल्ला चोट मत करना, फिर को भी अंदर डाल दूंगा और उसको भी डाल दूंगा अंदर चेन्नई में, और ऐसा बोलता चल तो खाने मार ले गए राय को राय ये राय साहब आबकारी ऑफिस। अच्छा वहाँ ले गए मेरे को, फिर बिठा रखा, फिर वहाँ से ताला खुलवाया। दारू उतारी थी क्या? नहीं सर दारू कुछ नहीं, वहाँ से फिर मेरे को अंदर कर दिया, फिर वहाँ से मेरे को खड़ा कर दिया, फिर एक मेरे को यहाँ दिया, फिर मेरा एक दांत भी हिल रहा है, फिर एक यहाँ भी मैं इस हाथ में लगाया, सर मेरे को करंट लगा है, ये मेरा हाथ बैंड है इसमें मत मारना, करंट लगा है। हाँ इसमें नहीं, पहले से मेरे को लग गया था, करंट पहले लगा, पहले मैंने बोला इसमें मत मारना मेरे को, तो फिर मेरे को ऐसा खड़ा करके फिर ये यहाँ दी 30-40 वो पाइप से मारा। अच्छा फिर कितने पैसे? 20,000 रुपये दिए थे। अच्छा ने वो बोला कि कोई शिकायत मत करना और शिकायत करेगा तो वापस तेरे को जेल में डाल दूंगा। अच्छा और मेरे को कल वापस बुलाया 8 बजे रात को ये पुट्टी होटल पे, बोले यहाँ साइन करने आया कि मैंने वीडियो वायरल नहीं करा। मैं सर मैंने नहीं करा, मेरे घर वाले ने मिलाया था तो किसी ने फोटो को खींच के डाल दिया था। अच्छा हाँ तो बोले ऐसा बोलते हैं कि मैंने नहीं डाला था, मैंने पूरे पेज पे साइन कर दिया सर, बस पूरे पेज पे साइन करे किसने करे? राधेश्याम राय ने। राधेश्याम राय ने वो भी 8 बजे रात को करा। अच्छा कहाँ लगी तुमको बताओ? सर कल सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है, आबकारी अधिकारी द्वारा किसी आदिवासी की पिटाई की गई थी, उस पर आज आप जांच करने गए थे, क्या है पूरा मामला? आज जांच करने गए थे हम, उनके गांव में गजानन घेंगरिया करके था, तो उसको पूछा हमने तो उसका ये कहना था कि मैं नदी में नहाने गया था 20 तारीख को, इतने में आबकारी विभाग वाले आए पूरे दल बल के साथ में, तो मुझे नहा रहा था तो बोले कि मैं अंडरवियर में मुझे उठा लाए, उसका घर लाया, घर से उसको ले गए धर्मपुरी, और धर्मपुरी में उसको ले जाके उसको बता रहे कि पाइप से उसको बहुत मारा है, और हमने भी देखा कि उसके कूल्हे सूजे हुए थे, और उसका ये कहना था कि मैंने 30,000 रुपये बात करी है, फिर उन्होंने केस नहीं बनाया है 30,000 रुपये, मैंने बात होने पे 25,000 तो कोई सुभाष करके है लोहारी में गुजरी में, तो उससे ले के 25,000 रुपये दिया हूँ मैंने, और 5,000 मैंने 21 तारीख को दिया है, फिर हमने वहाँ भी गए गुजरी में भी गए सुभाष के पास, सुभाष ने कहा कि हमारा उससे लेन देन चलता है, उससे सामान वगैरह ले जाता है, तो उसने कहा है कि यार 25,000 की आवश्यकता है मुझे दे दो, तो उसने 25,000 देना स्वीकार किया है। उसके बाद हमने प्रतिवेदन बना के, एसडीएम साहब भी आए थे, पूरा प्रतिवेदन बना के कलेक्टर साहब को भेज दिया, अभी जो भी कार्रवाई होना है जिले से होना है। सर आपका नाम और पद? मैं केशव सोलंकी नायब तहसीलदार धामनौर। धामनौर से कुलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।